जो पाकिस्तान है ना वो रिलायबल नहीं है और ना उसकी हेल्प है। हाँ, लेकिन आप ह्यूमन तौर पे देखा जाए जब वो एक भूख से मर रहा है तब हम कह सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो सर? सबसे पहले नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका दोस्त निशान और आपका स्वागत करता हूँ दी डायलॉग्स में। आज मेरे पास दो टॉपिक है। पहला, 2024 में जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में इलेक्शंस आ रहे हैं, उसके बारे में हम जनता से पूछेंगे कि पाकिस्तान की हेल्प करनी चाहिए, तो हम अपनी इंडिया की जनता से पूछेंगे कि वो इस विषय में क्या कहती है। तो चलिए मेरे साथ बातचीत करते हैं और अपने ओपिनियन आपको मैं वीडियो के अंत में दूंगा कि आप क्या सोचते हैं। जैसे आज की डेट में मेरे दो विषय हैं। पहला विषय मेरा है कि 2024 में देश में इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें आप प्रधानमंत्री के रूप में कितने हम ये पॉलिटिकल एक पॉलिटिकल क्वेश्चन होगा मेरा और एक हाँ जी कौन सी उससे अपने यूट्यूब चैनल है मेरा यूट्यूब हाँ दी डायलॉग्स के नाम से। हाँ जी अंकल जी, अपने हमारी कोशिश तो यही होगी कि मोदी साहब आएंगे, बाकी देखो जनता क्या कहती है। जनता के पास अनेक मुद्दे हैं, एक दो मुद्दे तो है नहीं है। जनता तो अपोजिशन स्ट्रांग नहीं है, जब अपोजिशन स्ट्रांग नहीं होगी तो डेफिनेट मोदी आएगा। आज की डेट में मोदी की स्पीच ही बहुत अच्छी है, जो भी बोलते हैं जो भी करते हैं हिंदू धर्म के लिए तो वाक्य ही वो बहुत बढ़िया। अच्छा, एक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जैसे पाकिस्तान के बारे में आपको पता है क्राइसिस चल रही है, तो आपको इस बारे में क्या ओपिनियन है? मेरे आइडिया से तो देखो जी यही है कि जो पाकिस्तान है ना वो रिलायबल नहीं है और ना उसकी हेल्प है। हाँ, लेकिन आप ह्यूमन तौर पे देखा जाए जब वो एक भूख से मर रहा है तब हम कह सकते हैं, अदरवाइज बांग्लादेश हमने बनाया तो उसका यही रिस्पॉन्स मिला कि उसके बाद जो है वो हमें ही आके दिखाता है। तो ये पाकिस्तान को भी आप रोटी दे दोगे, ऐसे गरीब है, अनाज पड़ा हुआ है हमारे पास, उसमें से कुछ हिस्सा चला जाएगा तो फर्क भी नहीं। हिंदुस्तान को आज की डेट में अनाज का कोई फर्क नहीं है, बट इतना स्टॉक उनकी जो नेचर है आगे भी देखा गया, लेकिन वो चेंज नहीं होते, वो तो गरीबी में फंसा हुआ है। क्योंकि जब कर्जे लेगा परमाणु बम बनाएगा, अब वो जैसे वो कहते हैं कि परमाणु बम बेचेगा, बेच के और उसकी जगह पैसा लेगा, होगा तो यही। चाइना उसकी हेल्प कर रहा है तो डेफिनेट वहाँ अड्डे बनाएगा तो हमें नुकसान, अगर हमारा पड़ोसी दुखी है तो हम भी दुखी हैं। तो इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, आप अपने विचार बताइएगा इसके बारे में। जो इन्होंने कहा वही मेरे विचार का, वही आपके विचार हैं। तो हमारे यहाँ आदरणीय बड़े लोग ऐसे तो ऐसा है कि मतलब किसी को जो देना चाहिए ना, जो लेवल बन रहा हो उसको देना चाहिए और जो थोड़ा एहसान अगर मान लो किसी सांप को आपने दूध पिला दिया और फिर वो अपने एहसानमंद भी ना हो, न्यूट्रल रहे, पर पाकिस्तान वो न्यूट्रल नहीं है कि उसने आने वाले टाइम पे वहाँ आंखें दिखानी है, डंक मारने वाला है। अच्छा, हिंदुओं को वहाँ पे पाकिस्तान में बहुत बुरा हाल है, 0% रह गए है ना, मतलब जितने पहले थे हिंदू अब वहाँ पे उतने नहीं है। मेरे पीछे मैं न्यूज देख रहा था कि बताया जा रहा था कि वहाँ की हिंदू लड़कियों को जबरन शादी करके मुस्लिम बनाया गया, जबरदस्त वो हिंदुस्तान में भी। अच्छा, यहाँ वो हिंदुस्तान में भी हो रहा है। हम क्या है कि ईसाई धर्म क्यों अपना, क्योंकि जब हमारे अंदर ये भेदभाव खत्म हो जाएगा कि ये शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट की हम हेल्प नहीं करेंगे, अदर कास्ट की हेल्प नहीं करेंगे। वो कहता है मुझे ईसाई रोटी दे रहे हैं, वो मैंने ये देखा कई जगह वो बच्चे पढ़ाना शुरू करते हैं, पढ़ाते पढ़ाते आखिर में कहते हैं उनके माँ बाप को आप जान है, तो वो हेल्प भी ऐसी बात नहीं है कि हम अपना धर्म चेंज कर रहे हैं। वो अपने क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम है, वो पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते हैं, यही रीजन। ठीक है, धन्यवाद। कभी आप एल्डर फोरम में आओ, संडे के संडे 11 बजे से सीनियर सिटीजन। ये कहाँ पे होता है? ये जो रेड क्रॉस है ना, हाँ जी, ये सॉरी रेड क्रॉस नहीं, रोटरी हॉस्पिटल, उसके आगे एक बिल्डिंग सी है साथ में कंटीन के साथ। ठीक है, तो वो 11 बजे से 1 बजे तक हमारा मॉर्निंग का टाइम। ठीक है, जरूर वहाँ पे आऊँगा, संडे को आते हैं। आगे भी हिमांशी आती थी, पता नहीं कौन से ले गई थी 2-4 बार। ठीक, अच्छा लगता है कि कोई आता है तो पब्लिक को, देश की जनता को, पूरे वर्ल्ड को पता लगता है कि हमारे देश की जनता क्या चाहती है। हमारे उधर 120 मेंबर हैं, 60 गैदरिंग। ठीक है, थैंक यू।
तो ऐसे ही रिव्यूज़ हम लेते रहेंगे, इंडिया की जनता के विचार आपके सामने रखते रहेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि विश्व भर को हिंदुस्तान की जनता के बारे में पता लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं अलविदा। बाय बाय दोस्तों।